Please take a moment to subscribe by pressing the bell icon on the YouTube app to never miss another update from Bolly to Box. दबंग 3 अभी रिलीज भी नहीं हुई और फैंस अभी से सलमान के अगले प्रोजेक्ट की भी चर्चा करने लगे। वेल, ये तो सभी जानते हैं कि भाईजान E20 के लिए भी प्रभुदेवा के साथ एक कॉप बेस्ड फिल्म के लिए हाथ मिला रहे हैं और इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा चल रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों के अनुसार भाईजान ने अपनी भारत को स्टार दिशा पाटनी को इस फिल्म की लीडिंग लेडी का रोल ऑफर किया है और दिशा ने वर्बली इस ऑफर को एक्सेप्ट भी किया है। कहा यह भी जा रहा है कि भाईजान की ये फिल्म कोरियन फिल्म द आउटलॉज का ऑफिशियल रीमेक होगी और इस फिल्म का टाइटल होगा राधे, इंडियाज मोस्ट वांटेड कॉप। इस दौरान भाईजान एक इंडियन रेस्टोरेंट और एक इटालियन रेस्टोरेंट के सेट पर शूटिंग करेंगे और वहीं एक आलिशान सेट भी होगा जहां उनके और दिशा के बीच एक रोमांटिक नंबर शूट किया जाएगा। पिछले स्केड्यूल में ही फिल्म का क्लाइमेक्स एक्शन सीन भी शूट किया जाएगा, जिसके बाद पहला स्केड्यूल करीब 23 दिसंबर को रैप अप होगा, जिसके बाद फिल्म का दूसरा स्केड्यूल 13 जनवरी से किक स्टार्ट होगा जो कि करीब 10 फरवरी तक चलेगा। यानी कि लगभग 100 दिन की शूटिंग के बाद फिल्म पैच वर्क और पोस्ट प्रोडक्शन फेज में कदम रखेगी और अगर सब सही चलता रहा तो ये फिल्म होगी भाईजान की E20 ब्लॉकबस्टर। तो राधे इंडियाज मोस्ट वांटेड कॉप की शूटिंग से जुड़ी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और अपने कॉमेंट्स नीचे दिए सेक्शन में शेयर करते रहिए।